There's not much to do when all I can is thinking about you. बच्चों की शॉपिंग नहीं भरती है अलमारी में दिखा। घर में चोरी तो पूछे कौन? रूपाली व्यंजन नहीं, रूपाली नहीं ही। अच्छा हाँ। कौन है रूपाली? कौन है चोरी करी? और तेरे बनाने क्रिस्पी कॉर्न करा और मेरे पनीर की सब्जी करा। तुम्हारी सालगिरह है क्या? नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। अभी मैं नहाई थी, दीवा नहा चुकी थी और दीदी और मम्मी गई हुई है मार्केट। सो उस टाइम से अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दिन में काफ़ी लेट ही धूप निकलती है, सो अभी धूप निकल गई थी। आज थोड़ा सा मौसम खुला था, सोचा चलिए बालकनी में प्लांट्स जो काफ़ी ऐसे हो रखे थे सर्दी की वजह से उन्हें थोड़ा पानी वगैरह दे दिया जाए और स्टार्ट करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की। और चोरी के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो चलिए आज के ब्लॉग में आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी कि किसने चोरी करी, कैसे चोरी हुई। सो पूरा ब्लॉग देखना, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आशी डेडाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हम भी अच्छे हैं, सेफ हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कोल्ड कफ हो गया क्योंकि वेदर ही ऐसा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। बच्चों की तो विंटर वेकेशंस हो गई हैं, सो आप मेरे ब्लॉग्स में देख चुके हैं। माइके वाई कैम हो गया, आज के जिनू हो गई है 7 मंथ्स की। हैप्पी 7 मंथ्स जिनू, हैप्पी 7 मंथ्स डिबू। और उसके फेस से लग रहा है ये कुछ पॉटी छोड़ी करने के मूड में है। तो मम्मी और दीदी गई हैं अभी सलून अपने बाल वालों में कुछ कराने, ठंड इतनी ज़्यादा है। मैंने तो आज घर पे ही हेयर वॉश करा, कितनी भी ठंडों पर बाल तो धोने ही पड़ते हैं, ठीक है? मैं वीक में 2 टाइम धोती ही धोती हूँ बालों को। डिबू इसका हो गया है मतलब 7 मंथ्स में, अब जैन में जाके ही ऐसा हुआ है कि अब ये 1-2 दिन मतलब नहीं नहाई है। 7 महीने में मुश्किल से ही 7 बार ऐसा हुआ जब ये नहीं नहाई है, वरना डेली नहाती थी। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है यहाँ पर। क्यों, कैसी हो आप मिस डिविशा? क्या हाल चाल है मिस डिविशा के? अच्छा, सो डीवा को लगी है भूख, मैं उसके लिए बना रही हूँ फटाफट से कुछ खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले उसको वो दिया है टॉफी, मैंने उसके लिए बनाया है, पानी गर्म कर लिया और उसके लिए मिक्स करा है। बट उसको ये टॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से उसका पहले भी मैंने एक स्टार्ट करा था। सो काफ़ी लोगों ने पूछा था आप डीवा को देते हो, बट वो उसको पसंद ही नहीं आया और ये भी इसको पसंद नहीं है। सो कभी कभार मैं ऑप्शन में मतलब उसको 2-4 दिन में दे के देखती हूँ कि ट्राई करते रहूँ, क्या पता कभी वो पी ले, बट उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो अभी मैंने उसको ये दिया था, इसलिए ज़्यादातर उसके पास बॉटल्स है नहीं, ना ही बॉटल कवर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे टोकते भी हैं कि बेबी को बॉटल कवर के साथ, क्योंकि वो लेती ही नहीं है। सो मैं इसके लिए लाई भी नहीं। देखिए खेल करके ये निकाल देती है, फिर मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा रोने लगी, सो इसको मैंने थोड़ी देर चुप कराया। और अब इसके लिए मैं बनाऊँगी यहाँ पे फ्रूट्स की प्यूरी। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसको डायरेक्ट फ्रूट्स की प्यूरी या फिर वेजिटेबल प्यूरी दीजिए, जैसे इस मौसम में कैरेट आ गए हैं, बीटरूट आ गए हैं। सो उसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है और उनकी प्यूरी बना लेनी है। या तो आप स्पून की हेल्प से मैश करके दे सकते हैं या फिर ग्राइंड करके, जैसे कि हम सब्जी वगैरह के लिए पेस्ट बनाते हैं वैसे ही। सो यहाँ पे मैंने हाफ गुआवा और हाफ एप्पल, मतलब गुआवा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, अमरूद तो उसको अभी मैंने 1/4 भी मतलब बहुत ही कम पार्ट लिया है और उसमें से भी उसके सीड्स निकाल दिए थे। और डीवा के साथ काम करना थोड़ा सा टफ था, सो मैंने उसको बिठा दिया वहाँ पर उसके झूले में और यहाँ पे मैं डाल गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखिए अमरूद लिया है, इसके सीड्स निकाल दिए और इसको डाल दूँगी मैं बॉईल करने के लिए पानी के साथ ही, और थोड़ा सा एप्पल। तो इस तरह से मैं 2 फ्रूट्स मिक्स करके ले लेती हूँ, ज़्यादातर कभी चीकू भी होता है, कभी ये भी होता है। इन्हें डायरेक्ट भी मैं कभी कभी मैश करके दे देती हूँ। अब मैं इनको बॉईल करने लगी हूँ, जैसे कि वेदर अभी ठंडी का है ना, तो
उसके लिए। और गाइज एक टिप और देना चाहूँगी मैं, आप जो भी मेरी तरह फीडिंग मदर हैं, जो भी अपने बेबी को फीड कराती हैं, इस मौसम में आप अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करें। अगर आप बेबी को फीड करा रही हैं उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी वगैरह अप्लाई कर सकती हैं। उससे क्या है कि तो आपकी बॉडी काफ़ी टाइम तक अच्छे से मॉइस्चराइज केमिकल वगैरह से दूर रहेंगे, वो भी केमिकल नहीं लेंगे। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे एप्पल और गुआवा को बॉईल करके प्यूरी बना ली, और डीवा को ये काफ़ी अच्छी लगी टेस्ट में। अब वो अच्छी लगी है बुआ के घर। यहाँ पे मैं बैठ के अपना गर्म पानी पी रही हूँ, दिन में 4-5 ग्लास पीती हूँ। मुझे वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, सो गाइज इसके लिए मैं अभी अपना मैंने जो स्टार्ट करा है कुछ टाइम से। तो बड़ी माँ फिर से शॉपिंग करके आती हुई, क्या शॉपिंग कर लाई आज? बच्चों की शॉपिंग नहीं भरती है, अलमारी में दिखा यूबीआई का है टाइगर प्रिंट कार्ड देख रहे पनीर की इतनी वैरायटी है, उसे जितने तरीके से और जितना बनाया जाए उतना कम है। यहाँ पे मैंने पानी में ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं, थोड़ी सी खसखस डाली है, काजू डाले हैं और प्याज उबाली है। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पनीर को यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ आज। सर्दियों के मौसम में पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पर नमक डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। इसके साथ डाल दिया मैंने चिली फ्लेक्स, जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं ना वही थे, और ऑरिगैनोस। सो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, हमेशा रख ही लेती हूँ, काम आ जाते हैं। और इसको मैं रखूँगी, थोड़ा सा गर्म जगह पर रखना था, या तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए। अभी यहाँ पर मेरा कुछ गैस पर काम हो ही रहा था, सो मैंने गैस के नीचे इसको सरका दिया। इतने से ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, वो पानी छोड़ देगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड इसमें मैंने निकाला है जीरा, और यहाँ पर जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए काजू हैं तो वो चिपकेंगे, और खसखस जिससे कि इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, जैसे कि हींग और देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी, किचन किंग, और जो भी मसाले होते हैं हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह, सब मैंने इसमें अच्छे से डाल लिए हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और यहाँ बड़े प्यार से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और टमाटो प्यूरी डाल दी है। अब सारे मसाले मैंने मिक्स करके पानी से इसमें डाल दिए, इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसको तेज़ फ्लेम पे रखते हुए मैंने दही को फेंट के इसमें मिला दिया है, और लगातार इसको चलाती रहूँगी ताकि दही फटे ना। दही फट जाती है ना तो बहुत ही गंदा टेस्ट हो जाता है सब्जी का। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से पनीर मैरिनेट हो गई है, और उसमें पानी भी छोड़ दिया था। अब इसको मिक्स कर दिया है मैंने। लास्ट में इसमें डालूँगी मैं टमाटो केचप, और थोड़ी सी अगर आपको लगे कि सब्ज़ी में मिर्च मसाले कुछ तेज़ हो गए, आपको थोड़ा कम करना है, तो उसमें मलाई ऐड कर दीजिए। मलाई तो वैसे भी ऐड करनी है, और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए 1 चम्मच। तो ये हमारी रूपाली कर दो सबको। बातों में सब्जी हो गई रेडी। और जैसे कि रूपाली ने बताया, रूपाली नहीं थी वो, चोर वो थी, हमारे यहाँ जो हेल्पर लड़की लगी हुई थी। काफ़ी लोग पूछते भी थे कौन थी वो लड़की, सो पड़ोस में ही रहती थी, हेल्पर थी, मतलब थोड़ा बहुत आ जाती थी। तो उसी ने हमारे घर से पैसे चुराए थे, सो वो पकड़ी भी गई। उसके लिए हमें पुलिस वगैरह को बुलाना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत ईजीली पैसे नहीं दिए थे। पुलिस की हेल्प से उसने पैसे वापस दिए। सो थोड़ा सा सावधान रहिए, सेफ रहिए, और
मेनली इनकी वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी हेल्पर लगा रहे हैं तो वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। आज मैं बना रही हूँ टमाटो सूप, उसके लिए लिया है मैंने 5 टमाटर और ये थोड़े से सूखे सूखे होते हैं तो सोचा इसमें एक गाजर और धनिया की नीचे की डंठल और 4-5 छिकली इसकी बस इसमें हम इन्हें पहले बॉयल करेंगे। सो आज बहुत ठंड थी, मन था कुछ अच्छा अच्छा खाने का। देखिए सर्दियों में जितना अच्छा खाने का टेस्ट आता है ना उतना कभी नहीं आता है ना, तो मन था एक सूप हो जाए, एक अच्छी सी सब्जी हो जाए, कुछ स्नैक्स हो जाए। सो मैंने जैसे कि बताया कि रेजोल्यूशन लिया है घर पे ही बनाऊंगी। सूप का मन था, मैंने यहाँ पे टमाटो हाफ हाफ कट कर लिए हैं, मैंने ले लिया बटर और उसमें पहले मैंने लहसुन डाल लिया था। अब टमाटो को इस तरह से उसमें रख देंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने धनिया की डंठल, 2 हरी मिर्च और गाजर 1 ये डाल दी है। आपके पास चुकंदर हो तो आप उसको भी ऐड कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है सूप में। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐसे ही डाल के इनको अच्छे से कर लिया। जब ये भुन गए थे तो उसमें मैंने खूब सारा पानी डाल दिया। अब इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। देखिए प्रॉपर बॉईल हो गए हैं, गाजर में अच्छे से चम्मच जा रही थी, सो थोड़े से इसको लेके मैंने इसको पीस लिया और इसको अच्छे से छान लिया, इसका जो वेस्ट था वो निकल गया। बाकी जो भी इसमें अच्छे से पल्प था, इसकी प्यूरी थी, वो आ गई है पैन में। तो इसी तरह से सूप बन जाता है। देखिए बहुत पतला है, अगर आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। मैंने इसमें नमक, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ताकि इसकी थिकनेस हो जाए और ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो इसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर में 2 चम्मच पानी मिला के इसका पतला सा प्यूरी बना लिया और उसको धीरे धीरे ऐड करते हुए मिला लिया इसमें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें सॉस डाली थी, सॉस से भी काफ़ी अच्छी थिकनेस होती है। और आपके पास ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड जो भी हो अवेलेबल उसको कट कर लीजिए और मक्खन डाल के एक पैन में इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। और मलाई ऐड कर लीजिए या फिर क्रीम। क्या क्या बना रही हो? मैंने की सूप और तुम्हारी सो खाने के पापा की भी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं सूप बना ही रही थी, मैंने गरम गरम सूप दिया। देखिए वेट लॉस वगैरह में काफ़ी अच्छा था, बट अवॉइड करिए जितना मैंने मक्खन वगैरह डाला है सबके लिए, वो ना लें आप। बस तेरा सूप बन गया, सूप पियो तुम पहले। सो सूप हो गया, सब्जी हो गई, अब बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न। उसके लिए मैंने कॉर्न ले लिए हैं 1 पैकेट, उसमें नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया। अब ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं, बस इसमें मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके इनको फ्राई कर लेना है। सो बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और चीकू इन्हें देख रहा है। चीकू को थोड़ी सी ठंड लग गई है, उसके हो गए हैं लूज मोशन और वॉमिटिंग, सो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा वरना थोड़ा बहुत उसको डाल ही देते हैं। बता बिल्कुल लड़की एक तक फोन देखेगी। अच्छा जी, अच्छा जी खाना बेटा लग जाएगी उसके, बाय चांस गिर गए तो थोड़ा साइड में करते हैं, इधर करोगे ना आप साइड में तो अभी वो यही समझेगी भाई खिला रहा है ऐसे। इस साइड यहाँ ज्यादा स्पेस है ना। कब आते बैठना था आपको? अच्छा मम्मा कहाँ पे? मम्मा मम्मा कहाँ पे? ओए आ पीकू दीदी कहाँ है? पीकू दीदी मारेगी चेक चेक पिट्टी करेगी बताती तो है नहीं है ना अम्मा? इतना सब कुछ कर रखा था डायपर पे और बताया भी नहीं, बचाएगी तो है नहीं, ये क्यों बचाएगी? तो नहीं क्यों नहीं बचाएगी, बचाएगी ना, बचाओ बचाओ बचाओ। बनी से बड़ी नहीं हुई है, बनी से तो 11 दिन बड़ी है, छोटी क्या है? नहीं ये क्या चीज है? ये इसकी टॉप है, टॉप है, चीयू की टॉप है। मार रहे हो लो, इसको बस गाल पकड़ दिया।
सो सबका डिनर हो गया है। डीवा को मैंने तैयार कर दिया रात को सोने के लिए प्रॉपर। वो अपने पापा के साथ भाई के साथ खेल रही है। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है। मैंने अपनी अलमारी ठीक कर ली है। रात के टाइम ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत इसका, तो मैंने इसको सबको अरेंज कर लूँगी अपने कपड़ों को। विंटर्स में ना मतलब जो जैकेट स्वेटर वगैरह से इतने भारी भारी बड़े बड़े से हो जाते हैं ना कपड़े, तो सब एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, थोड़े दिन में ही ख़राब होने लगती है। तो मैंने इसको ठीक करिया फिर से। सो आज काफ़ी दिन बाद मैंने ऑयलिंग करके बालों में चोटी करी। सो ये हो गई है मेरी कुछ टाइम के लिए अलमीरा सेट, क्योंकि फिर कपड़े चेंज करेंगे थोड़े टाइम बाद, फिर वापस से ठीक होगी। सो ये तो चलता ही रहता है, हर मंथ का रूटीन है इनका। सो नेक्स्ट डे आज हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि अब डीवा हो गई है 7 मंथ्स की। सो उसको लेके जा रहे हैं मंदिर। कान्हा नहीं आया है, डीवा, मैं, उसके पापा, मम्मी और मिकी, हम ही आए हैं। दीदी और कान्हा घर पे ही हैं। सो चलिए आज भी आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। सो मंदिर से निकला, मिकी को लगे भूख, अब जाने हैं उसको कुछ खिलाने के लिए। सोचा पहले उसको आंध्रा ले जाएं क्योंकि उसको फेवरेट डोसे हैं, बट वहाँ गए तो वहाँ का टाइम बंद था, शाम हो रही थी 5:30, अभी नहीं था। तो अब उसको लेके जा रहे हैं किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि मिकी के फेवरेट डोसे ही हैं, उसको मोस्टली डोसे खाने होते हैं। ये हम हैं और ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारा शैतान है और ये दादी है। देखो मैंने बोला कैसे करना है, अगर आपको वो बनाना है वीडियो तो उसे ट्राइंगल बनाना, उसके बाद अच्छे से करना वीडियो बन रहा है। मुँह बनाएगा ना उसका, आराम आराम बनाने पड़ेगा है ना, पूरा बता ऐसे ऐसे करके फेस की शेप बनाना। खाने से पहले ही डकार आ गई तो समझो खाने कितनी जरूरत है। जिसकी इडली आ गई इस टाइम जो सबसे पहले। सो हम लोग पहुंच गए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा था खाना यहाँ पे, बहुत टेस्टी था। हमने ली वेज बिरयानी और मिकी ने फर्स्ट टाइम डोसे छोड़ के इडली ली। वैसे वो इडली डोसे कुछ भी ले रहा था बट उसको शायद भूख कम थी तो उसने इडली ऑर्डर करी। और इन्होंने लिए थे परोठा विद कोरमा, वो भी आए थे, वो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगे। डीवा भी मिकी के साथ शेयर कर रही है। स्ट्रॉबेरी महीने महीने मत लो पैसा, एक बार ही मतलब साल में एक बार ही। सो अभी तक तो ऐसे हो रहा है, हर मंथ बर्थडे पे डीवा के हर मंथली मतलब बड़ी माँ उसके लिए कपड़े ले आती है गिफ्ट के नाम पे, और बड़े पापा उसको पैसे दे देते हैं या कोई टॉय ले आते हैं, जैसे दिवाली को उन्होंने प्रैम दी थी या कुछ और भी टॉय वगैरह, ऐसे बड़ी काम की चीज़ें। सो इसका तो अभी 6-7 मंथ्स तक तो अभी तक ऐसे ही हो रहा है, मोस्टली वही ला रहे हैं। मुझे तो कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं लगती है इतनी ज़्यादा, बच्चों की सारी शॉपिंग यही करते हैं। दूसरी है कहाँ बिजी हो रही है राशि की सासू की शोर मचा पूरा हाथ में चल जा गपो आजा
नहीं, 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 नह